कंग्रेचुलेशन असी सारे जी उठे हैं अज क्योंकि साडा परमेश्वर जी उठा तो असी भी जी उठे हैं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड का। और मेरी पहली दीदी जिदा उस दिन जो मैं सुबह उठी तो मेरा सिर बहुत चक्कर आ रहा है तो मैं सिर बहुत दर्द हो रहा है तो मैं कह रही सी भी बराव बोल जाता मैं जाना चाहनी हाँ है ना क्रूसर ते पर कि मैं पता भी असी खाली नहीं मुड़न वाले है साड़िया लाइफ चेंज दिन बर दिन चेंज ही होंदिया ने। हालेलुया, तो मेरा सिर काफ़ी पेन हो रहा है। मेरी सिस्टर कहती भी तू इदा कर मैं चला लैनी हाँ गड्डी फचो नहीं नहीं कोई नहीं मैं है ना चलानी हाँ तो ये हौली हौली असी पहुँचे तो असी अपनी मैं आंटी होना के मुनीश ब्रदर के मम्मा तो दवाई लीती तो मैं उन्होंने कहा भी मैं दवाई दे दो है ना भी शायद थोड़ा फर्क पै जाए तो वो दवाई भी खाधी तो मैं कोई फर्क नहीं पै रहा है। तो जो क्रूसर ते गए उत्थे वर्शिप के दौरान खुदा ने मैं छोया मैं प्रेजेंस फील हुई वर्शिप के दौरान मैं अपनी हीलिंग नू रिसीव किया। तो उस ही दिन मैं क्या प्रभु तू है ना सलीब ते चढ़िया मेरे खातिर मेरी शिफा दे खातिर तू सब कुछ सह लिया है ना ते अज मैं बीमार नहीं रह सकती मैं अज तेरी प्रस्तिश करना आई हूँ इत्थे ते मैं बीमारा वांगू गिरी नहीं बैठना हैगा ते तू मैनू उठा मैनू नचा मैं तो है ना वर्शिप करा अपनी महिमा करा। तो उस ही समय जो मैं वर्ड बोले वर्शिप के दौरान तो मैनू महसूस होया परमेश्वर ने मैनू छोया तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे चक्कर आने भी हट गए। और मैं धन्यवाद करनी इस टेस्टिमनी दे लई परमेश्वर दा। और दूजी गवाही मेरी ये आ कि शायद सारा याद होगा कि क्रूसर दे विच खुदाए दास ने कहा सीगा मीटिंग दे एंड दे विच जदो खुदाए दास ने कहा भी मैं देख रहा कि है ना तुसी जदो सौवोगे तो है ना खुदाए दूत थोड़े इर्द गिर्द होणगे थोड़े नाल है ना पैणगे थोड़े नाल सौणगे। तो ये चीज़ नूं मैं लैके बहुत एक्साइटेड सी भी किद्दां होगा है ना भी बैल लो भी मैं देखना चाहनी हाँ। तो मेरी सिस्टर मेरे नाल पे रात नूं जदों असी क्रूसर तो वापस आए तो मैं उस चीज़ नूं रिसीव किया सीगा भी परमेश्वर भी हाँ तेरा दास बोलिया तो है ना कुछ हैवनली मेरे नाल होगा तो अज मैं है ना जा पिछली बार जो खुदाए दास ने कहा सीगा भी तुसीं इदां दी नींद सौवोगे है ना तो मैं सचमुच जदों पिछले क्रूसर दे विच जदों रिसीव किया सीगा उदों भी मैं हैवन दे विच सुती सीगी तो इस बार भी खुदा दे जिहड़े दूत ने मैं महसूस किया तो मेरे अंदर कुछ ट्रांसफर हो रहा सी कुछ जिदा चेंज हो रहा सीगा जो मेरी लाइफ च नहीं होना चाहिए उन्हूं है ना वो खिंच रहे सी लै रहे सीगे तो उन्हूं कढ़ रहे सीगे मैं चीज़ नूं फील कर रही सीगी सुती पई हुई। और प्रोपरियो ये दो दिन लगातार कल भी मेरे नाल इदां ही होई आ कि मैं लगा सीगा भी सिर्फ एक दिन शायद होगा भी है ना उदे दूत मेरे नाल होणगे है ना मैं उस चीज़ नूं फील करूँगी पर कि येरी नौते कल राती भी तो इदा ही हुई सेम चीज़ हुई कि मेरी लाइफ है ना चेंज हो रही आ पुलिसिया कर रहे मेरी लाइफ की वो कुछ ना कुछ मूव कर रहे ने खुदा सिकुरा मैं तो बिग टेस्टिमनी नाल भी मैं खड़ा करेगा। हालेलुया। और तीजी गवाही मेरी ये आ कि अज सुबह जो मैं उठी चर्च नूं आने लई तो मेरी सेहत एकदम अपे ना उठी तो मेरे चेस्ट को बहुत दर्द हो रहा सीगा तो मेरी बांह दे कोल भी बहुत दर्द हो रहा सीगा तो मैनू लो फील हो रहा सीगा इन्नी ज़्यादा पेन सी कि मैं कह रही सी भी अगर ना हटी भी मैं है ना उस पैदाले जाऊँगी तो मैं दुआ कर रही हाँ अंकिनतान तो क्या है ना मैं बाथरूम के भी हाँ मैं दुआ कर रही हाँ भी परमेश्वर अज वड्डा दिन आ तेरे जी उठने का दिन आ है ना तेरी जी उठने सामर्थ मेरी लाइफ के काम करे मैं है ना जिहड़ा हॉस्पिटल जिथा रियल हॉस्पिटल आ जिथे मेरी है ना रूह ने जिसम ने जान ने शिफा पानी है मैं उत्थे जाना चाहनी हाँ अज ना कि दुनियावी हॉस्पिटल दे विच क्योंकि उत्थे सिर्फ एक शरीर का इलाज हो सकता है पर इत्थे आ के साडी रूह का इलाज हुंदा है साडी हर एक लाइफ के हिस्से का इलाज हुंदा है। हालेलुया। ते जो मैं दुआ कर रही सी मैं परमेश्वर नूं कह रही सी भी परमेश्वर तेरी जीवन सामर्थ मेरी लाइफ के कार्या करे भी मैनू हील कर मैनू चंगा कर इन तां तो मैं फील कर रही सी भी हाँ मैं गिर जाना हुणी भी मैं गिर जाना बाथरूम के विच भी है ना तो मैं हौली हौली करदी करदी ये दुआ बाद विच जो मैं पवन दे विच आई तो आँधी गड्डी दे विच भी असी वर्शिप लाई हुई सी तो मैं
उस पेन नू भुलदी होई मैं परमेश्वर की आराधना करती आ रही थी, परमेश्वर तू मैनू लैके जा रहा अपने भवन दे विच, ते है ना सिकुरा मैं, ते मेरी लाइफ चेंज आ। ते जो मैं इत्थे आई ते वर्शिप दे दौरान परमेश्वर मैं कंप्लीटली हील किया, हुण मेरे कोई भी पेन नहीं है, मेरे कोई भी दर्द नहीं। हालेलुया, थैंक्स कीजिए लॉर्ड दा। हालेलुया।